बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभहरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मिहिराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम प्याज को, पल पल करूं प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, इन चरणों की आर्ष दिल को, दिल बोले शुद्ध परत, रूहे तो लेवे मोहम्मद सिफायत, जो असल हक निश्वत, जो असल हक निश्वत, रूहे कदम पकड़े हक के दिल में। महामती जी के धाम हृदय से श्री मुखवाणी में जो रस प्रवाहित हुआ है, हमारी आत्मा को जागृत करने के लिए हुआ है। अभी आपने श्रृंगार ग्रंथ का वो मधुर गायन सुना, अति मीठे रसीले रंग भरे। धनी के चरण कमल कैसे हैं, प्राणेश्वर अक्षरातीत के चरण कमल कैसे हैं, यह दर्शाया गया है। वैसे तो परम धाम का एक एक कण अक्षरातीत के अंग का रोम रोम समान इश्क, समान प्रेम, समान आनंद, समान सौंदर्य को लिए बैठा है। लेकिन जिस माया की दुनिया में हम बैठे हैं, वहां के भावों के अनुसार हमें मूल्यांकन करना होता है। ए सुख जाने सोई रूह अर्ज की, जाके दिल दो कदम धरत। चरणों को भी अत्यधिक मीठा रसीला कहा गया है, नेत्रों को भी कहा गया है। नयन रसीले रंग भरे, सखी ये छवि कहीं न जाए। धनी के नेत्रों में अनंत प्रेम झलकता है, क्योंकि हृदय में जो प्रेम उमड़ता है, प्रेम के रस में आनंद प्रवाहित होता है, वो नेत्रों से भी झलकता है, चरणों से भी झलकता है, मुखारविंद से भी झलकता है। दीदार करने वाला अपने भावों के अनुसार अंगों का चयन करता है। जिस प्रेम में सम्मान का पुट हो, वह हृदय चरण को पहले देखना चाहेगा। जिस हृदय में प्रेम के साथ अपनेपन की अधिकता हो, सम्मान पीछे छूट जाए, वह मुखारविंद को देखना चाहेगा। परमधाम में ऐसा नहीं है। परमधाम में जो चरण में विशेषता है, वही हृदय में विशेषता है, वही नेत्र में विशेषता है, वही मुखारविंद में विशेषता है। लेकिन इस माया की दुनिया में हम रहते हैं। माया की दुनिया में जब हम किसी इस मायावी जगत में जब हम अपने किसी वर्षों पुराने मित्र से मिले, दो प्रेमियों का मिलन हो, पति पत्नी का मिलन हो, प्रिया प्रीतम का मिलन हो, तो कोई दूसरे के चरणों की तरफ नहीं दिखेगा। दोनों में जो एक दूसरे के प्रति श्रद्धा है, समर्पण है, वो अव्यक्त है। व्यक्त है उसके प्रति अपनापन, इसलिए दोनों के नेत्र मिलेंगे। जब यह भाव होता है तो हमारे लिए कहा जाता है, पिउ नेत्रों नेत्र मिलाइए जो उपजे आनंद घन, तो प्रेम रसायन पीजिए जो आत्म थे उत्पन्न। प्रीतम के नेत्रों से नेत्र मिलाना है। लेकिन जब हमारे अंदर श्रद्धा है और श्रद्धा के साथ सम्मान जुड़ा हुआ है, प्रेम भी है लेकिन सम्मान पहले है। जैसे हम किसी गुरुजन के साथ मिले
और हमसे कोई गलती हुई हो तो स्वाभाविक है सर में से आंखें नहीं मिल पाएंगी, हम गर्दन नीची कर लेते हैं। हृदय में श्रद्धा है, सम्मान है, प्रेम भी है, लेकिन चरणों की तरफ दृष्टि जाती है। ऐसी अवस्था में क्या कहा जाता है? गुण धनी के यादगर पकड़ पीव के पाए। ये प्रारंभिक अवस्था है, धनी के गुणों को याद करना और धनी के चरणों को पकड़ लेना। धनी के चरणों को पकड़ने का तात्पर्य धनी पर अटूट विश्वास रखना, चरणों को पकड़ना और चरणों का दीदार करना, दोनों में अंतर होता है। क्या कहे हैं? चारों जोड़े चरण के एजु अर्सभुखन ए लिए हृदय मिने आवत स्वरूप पूरन। ये अलग अवस्था है। आपके चंचल मन में जब अक्षरातीत के मुखारविंद की शोभा नहीं ठहर पा रही है, देखिए यहाँ के भावों से आपको बताया जाएगा किस तरह से राज्य की शोभा आपके दिल में बसे। चरण का ध्यान करना बहुत सरल है, मुखारविंद का ध्यान करना प्रेमियों के लिए सरल है, ज्ञानियों के लिए बहुत कठिन है, और नेत्रों की तरफ देखना प्रेमियों के लिए भी कुछ जोर लगाना पड़ता है, ज्ञानियों के लिए बहुत कठिन बात होती है। जो उस स्तर पर पहुंचता जाएगा वह अपनी अपनी मंजिल को पता जाएगा। तभी कहा जाता है कि पियो नेत्रों नेत्र मिलाइए जो उपजे आनंद घन। चरण की विशेषता क्या है? जब एक एक अंग में हम डूबेंगे तो लगेगा राज्य के दिल में बैठने के पश्चात कि राज्य के सभी अंग तो समान हैं। यह तो हमारे जीव के स्तर पर निर्भर करता है। परमधाम की ब्रह्मात्मा तो सभी एक जैसी है, उनकी सुरतारूप आत्मा भी एक जैसी है, लेकिन सबका जीव एक समान नहीं है। लालदास जी का जीव जैसा है मुकुंददास जी का जीव ऐसा नहीं है, सागुंडल का जीव जैसा है साकुमार का जीव ऐसा नहीं है। दोनों में 36 का आंकड़ा है, दोनों युद्ध में एक दूसरे के लिए तलवारें निकालते हैं। और जैसा मिहिराज का जीव है वैसा बिहारी जी का जीव नहीं है, जबकि परमधाम में इंद्रावती और बिहारी जी की आत्मा, रतन भाई की आत्मा दोनों एक जैसी है। जीव ने स्वभाव बदल रखा है। अब ऐसे जीव को जो ये भावना ले रहा है कि मैं परमधाम की हूँ, जीव परमधाम का नहीं है, लेकिन परमधाम के ज्ञान का प्रकाश उसके अंदर आ गया है। अब जीव भी आत्मा की तरह आत्मभाव ले बैठा है। जब तक वाणी का प्रकाश नहीं मिला था आत्मा ने जीव भाव ले रखा था, मैं शरीर हूँ, यहाँ पैदा हुआ हूँ। लेकिन जब परमधाम की वाणी उसके हृदय में आती है अब जीव कहने लगता है कि मैंने राज्य से रब्द किया था, मैं ब्रज में आई थी, मैं रास में थी, मैं जागने के ब्रह्मांड में आई हूँ। अपने को जीव कहलाने के लिए जीव तैयार ही नहीं होता, और जीव की यही कुर्बानी उसको सत्सर्ग के पहली बहिष्ठ में ले जाएगी। लेकिन यदि वो अपने जीव भाव को नहीं छोड़ पाया, जिसको प्राणेश्वर माना है, सर्वस्व माना है, उनको अपने धाम हृदय के सिंहासन पर नहीं बसा पाया, तो परिणाम क्या होगा? उस अव्याकृत के सातवीं बहिष्ठ का अधिकारी बन जाएगा, जो कर्मकांड के नियमों का पालन करते करते बेचारे को सातवीं बहिष्ठ आसानी से मिल जाएगी, जो ऋषि मुनियों को कठोर साधनाओं से प्राप्त होती है। लेकिन जिसने अपने हृदय सिंहासन पर धनी के चरण कमलों को बसा लिया, आपने अभी जो सुना, ए सुख जाने सोई रूह अर्ज की जिन दिल दो कदम धरत। अक्षरातीत के दोनों चरण कमलों की शोभा बस जाए तो निश्चित है कि नख से सिख तक का पूरा श्रृंगार भी आ जाएगा। कैसे? एक बात देखिए, यहाँ तो बिजली के पंखे चल रहे हैं, आप स्विच में अपना हाथ डालकर देखिए। बिजली का जो प्रवाह है आपके हाथ से पूरे शरीर में फैल जाएगा। उसी तरह से ये मत समझिए कि राज्य के चरणों को बसाएंगे तो राज्य का मुखारविंद छूट जाएगा। परम धाम में वहदत है। आप जिन भावों में यहाँ बसते हैं उन भावों के अनुसार किसी भी अंग को दिल में बसा लीजिए। यदि आपके अंदर इतना अपनापन हो गया है कि राज्य को आप छोड़कर आप तुम भी कह सकते हैं, तो आपको आवश्यकता नहीं है चरण को बसाने की। आप सीधे धनी के नेत्रों की तरफ दृष्टि कर सकते हैं।
लेकिन आप में यदि भय है या शालीनता की इतनी अधिकता है कि आप सोचते हैं कि राज्य को हम तुम क्यों कहें, आप ही कहेंगे, तो आपके लिए चरणों में चित्त लगाना ज़्यादा अच्छा होगा। जिसने चरणों को दिल में बसा लिया, उसने नख से सिख तक की श्रृंगार को भी बसा लिया। जिसने मुखारविंद को बसा लिया, उसने भी नख से सिख तक की शोभा को बसा लिया। जिसने नेत्रों की शोभा को देख लिया, तो उसने तो बाजी ही मार ली, क्योंकि नेत्रों की तरफ दृष्टि करते ही उसके हृदय में प्रेम का रस ऐसा आएगा कि नख से सिख तक युगल स्वरूप की छवि उसके दिल में बसने लगेगी। केवल एक पर्दा हटाना है हमारे अंदर जो माया का बसा हुआ है। यह माया का पर्दा हमें जीव के दिल पर बैठकर जीव के सुख दुख की लीला को देखने के लिए विवश कर रहा है। जैसे आप देखते हैं ना, आपके मन में संशय होगा कि जीव का दिल तो माया से बना है, आत्मा का दिल परात्म का दिल है, परात्म के दिल का प्रतिबिंब है, और परात्म का दिल राज्य का ही साक्षात नूरी दिल है। तो प्रश्न यह है कि हम इस जीव के दिल में जो लाखों जन्मों से काम क्रोध मद लोभ अहंकार की अग्नि में जल रहा है, कैसे धनी के चरण कमल को बसा सकते हैं? ये चिंता करना आपका विषय नहीं है। आपका विषय है इस जीव के दिल में बार बार बैठाने का प्रयास करना। जब यह प्रयास करना शुरू कर देंगे, तो आत्मा का दिल जो जीव के दिल पर बैठकर जीव के दिल की सुख दुख की लीला को देख रहा था, अब अपने दिल की तरफ जैसे ही दृष्टिपात करेगा, उसके अंदर प्रेम का रस शुरू हो जाएगा। आपको तो स्वयं कसौटी पर केवल अपने को कस करके दिखाना है कि नहीं, मुझे संसार को नहीं देखना है, परमधाम को देखना है। इसको एक सांसारिक दृष्टांत से समझिए। जैसे अभी मैं दृष्टांत दे रहा था कि बिजली के स्विच में हाथ रखने पर पूरे शरीर में बिजली का करंट आ जाता है, उसी तरह से जैसे कोई विद्युत का कंट्रोल रूम नियंत्रक कक्ष बना होता है, आप उसमें देखेंगे अलग अलग स्विच बोर्ड होते हैं, अलग दिशा में ले जाने के लिए अलग अलग स्विच में अलग अलग प्लग डालने पड़ते हैं। आप जानते हैं इस बात को। आपके जीव के दिल रूपी स्विच में जो डाला हुआ है, उसको हटाकर आत्मा के दिल की तरफ केंद्रित करना है। आप जो संसार को देख रहे हैं शरीर भाव से, जीव भाव से, उसको देखना बंद कर दीजिए। धनी के चरणों की तरफ देखिए। अभी आपने चौपाई सुनी कि परम धाम की आत्मा राज्य के चरणों को दिल में बसाती है, और राज्य के दिल में बैठकर इसको को खोजा करती है। वो चरण सुनिए। पच इश्क और ढूंढाता, राज्य के दिल में बैठती है और इश्क को ढूंढती है। अपने हृदय में धनी के चरण कमल को बसाती है और इश्क को ढूंढती है। अब ये क्या है? चितवनी की वो प्रारंभिक अवस्था जिसमें हम राज्य के चरणों को बसाना प्रारंभ करते हैं, प्रेम खोजते हैं, क्योंकि इश्क बिना न पाइए ये जो नूर तजल्ला हक, प्रेम कहाँ मिलेगा। परिक्रमा के चौथे ग्रंथ में इश्क उपजे का प्रकरण है और बताया गया है कि प्रेम कैसे पैदा होगा। जैसे जैसे प्रेम के स्वरूप को हम दिल में बसाएंगे, प्रेम हमारे अंदर आता जाएगा। एक मनोविज्ञान का सिद्धांत है, जो जैसा सोचता है वैसा ही हो जाता है, जो जैसा बोलता है वैसा ही करता है, जो हमारे दिल में है वैसा ही हम बोलते हैं, वैसा ही सोचते हैं और वैसा ही करते हैं, और जैसा करते हैं वैसे ही प्राप्त होते हैं। यो यथा चिंतियत स तथा भवत, यो यथा भवत स तथा चिंतियत। बैठे बातें करे बका अर्ष की, तित भीष्ट भई बैठक, दुनी बातें करे दुनी की, आखिर तित दोजक। हम इस संसार में बैठकर यदि हम संसार की बातें करेंगे, तो संसार के संस्कार हमारे अंदर प्रवेश कर जाएंगे। कीचड़ पर आप घृणा से पत्थर मारेंगे तो संभव है, कीचड़ को आप कुछ हटा तो देंगे, लेकिन कीचड़ के संस्कार आपके अंदर भी आ सकते हैं। यदि आप संसार को सुधारना चाहते हैं, तो संसारिक
सकारात्मक भावों से समीक्षात्मक दृष्टि से असत्य का खंडन अवश्य कीजिए, लेकिन उसमें इतना लिप्त न हो जाइए कि असत्य के संस्कार कहीं आपके ऊपर हावी न हो जाए। आप दूसरों को सत्य बोलने का उपदेश देते देते झूठ की खंडी करते करते इतने न असक्त हो जाइए कि कहीं झूठ के संस्कार आपको भी दबोच न ले, क्योंकि यदि आप झूठ का भी चिंतन करेंगे तो कभी आपके संस्कारों में झूठ भी बस सकता है और उस संस्कार के अनुसार आप भी झूठ का आचरण कर सकते हैं। इसलिए बैठे बातें करें बका अर्ज की तितभीष्ट भई बैठक। परमधाम की ब्रह्मात्माएं केवल राज्य का चिंतन करती है, उनके होठों पर केवल जिक्र सुभान होता है, केवल राज्य का वर्णन, और परिणाम क्या होता है, उनके संस्कारों में केवल राज्य बसते हैं। और जानते हैं संसार में सबसे मीठा रस क्या होता है? निंदा रस। जब कोई व्यक्ति किसी को छोटा कह देता है तो गौरवान्वित होता है कि वह व्यक्ति छोटा है, मैं बड़ा हूं। यहीं से वो भूल की ऐसी पगडंडी पर चल पड़ता है जहां से उसको कोई बचाने वाला नहीं होता। आपकी दृष्टि सम्यक होनी चाहिए, न निंदा न स्तुति, जो जैसा है उसको यथार्थ रूप से वैसे ही ग्रहण करना। निंदा हम क्यों करेंगे? द्वेष के कारण। प्रशंसा हम क्यों करेंगे? आसक्ति के कारण। द्वेष और आसक्ति दोनों ही जीव के विकार हैं, और हमें इन दोनों से परे होकर पवित्र प्रेम के पथ पर चलना है, तभी तो धनी के चरण कमल हमारे हृदय में स्थान बना पाएंगे। महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर अक्षरातीत ने हमें वो सरल मार्ग बताया है कि हमें कुछ नहीं करना है। या वाणी के कारण कई भैरव झांप कावे, या वाणी के कारण कई तिल तिल देह कटावे, लेकिन किसी को भी बेहद का रस प्राप्त नहीं हुआ। आज आप सुंदर सात को सागर श्रृंगार की वाणी की एक एक चौपाई की व्याख्या आपको दी गई, ताकि सुंदर साथ इसका चिंतन करें और अपने धाम हृदय में अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत की शोभा को बसा लें। इस शोभा को बसाने का फल क्या होगा? अभी आपने सुना, ए सुख जाने सोई रूह अर्श की, जाके दिल दो कदम धरत। एक घंटा नहीं, आधा घंटा नहीं, जिसको अपने हृदय के सिंहासन पर 5 सेकंड के लिए भी राज्य के चरण कमलों की झलक मिल जाएगी, यदि उसको कहा जाए कि सारी पृथ्वी का नहीं, सारे ब्रह्मांड का, स्वर्ग वैकुंठ सबका राज्य ले लो और ये चितवनी छोड़ दो, तो शायद वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। अभी तो आपको दबाव देकर के चितवनी कराई जाती है, सिखापन देकर कराई जाती है कि सुंदर सात किसी भी तरह से चितवनी में लगे, क्योंकि इसके सुख को कौन जानता है? जिसने इस सृष्टि को बनाया है। महेश्वर तंत्र में वर्णन आता है, विष्णु भगवान अपने ध्यान में बैठे हैं योग माया के अंदर, जो अखंड लीला होती है अव्याकृत के महाकारण में, उसका ध्यान कर रहे होते हैं। लक्ष्मी जी पूछती हैं कि आप किसका ध्यान कर रहे थे? विष्णु भगवान कहते हैं, तुम अपने सहेलियों के साथ गई थी, इसलिए मैं तुम्हारी याद में खोया हुआ था। वो बात छिपा रहे हैं। लक्ष्मी जी समझती हैं कि नहीं, ये मेरे से छिपाव कर रहे हैं, और जब हट करके तप कर देती हैं, तब विष्णु भगवान कहते हैं कि लक्ष्मी तुम कितनी भी तप करो, 7 कल्प, 7 कल्प अलंकारिक भाषा है, 7 कल्प का तात्पर्य है 7 वर्ष, तुम 7 कल्पांत की जगह 7 कल्प की जगह 21 कल्प यानी 21 वर्ष भी तप करो, तो भी मैं एक शब्द भी वहाँ का वर्णन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वो वाणी से परे है। आप सोचिए, जो सृष्टिकर्ता अव्याकृत के महाकारण में होने वाली लीला, शोभा और सौंदर्य का वर्णन नहीं कर सकते, तो केवल का क्या करेंगे? जो केवल से भी परे सस्वरूप है, उसके परे अक्षर है, और अक्षर से भी परे अक्षरातीत के नख से सिख तक की शोभा का वर्णन कौन कर सकता है? और उस शोभा को देखने में जो आनंद मिल सकता है, उस आनंद का मूल्यांकन हमारी मानवीय बुद्धि नहीं कर सकती। विष्णु भगवान को क्या आवश्यकता थी ध्यान में डूबे रहने की? हम सुंदर साथ क्या कहते हैं, क्या करें, काम का इतना बोझ है कि अभी चितवनी के लिए समय नहीं निकल पा रहा। पूछिए काम क्या है, कोई अपने पद की गरिमा बता देगा कि आजकल ये पद हमें मिल गया है, कोई बिजनेस
की व्यस्तता बता देगा, कोई पढ़ाई की व्यस्तता बता देगा। कभी किसी ने सोचा है कि अचानक यदि शरीर छूट गया तो फिर क्या होगा? हमने 10 करोड़ की 10 अरब की संपत्ति इकट्ठी कर ली और हमारा शरीर छूट जाए तो उस हमारी संपत्ति का भोग कौन करेगा? हम तो देख भी नहीं पाएंगे, पता नहीं हम कहाँ जन्मेंगे। यदि हमें परमधाम की झलक मिल गई, हमारी आत्मा जागृत हो गई तो राज्य के चरणों में पहुँचेंगे। कदाचित यदि हमारा जीव जागृत नहीं हुआ तो पिछले 400 वर्षों में तो हमारी आत्मा ने जाने कितने तनों को पकड़ा होगा, उन तनों में हमारा जीव जागृत नहीं हो सका। लेकिन याद रखिए, पहले तो आपके लिए क्षमा हो गई, अब इतनी वाणी चर्चा सुनने के पश्चात यदि आपका जीव जागृत नहीं होता है तो आपके लिए क्षमा शब्द नहीं है। धनी ने क्या कहा है, जो कभी भूली बतन तो भी नजर तहां निदान। परम धाम की ब्रह्म सृष्टि कितनी भी गलती करे लेकिन उसकी अंतर्दृष्टि लगती है कि मेरा घर कोई और है। जब तक भूली नींद में तब तक नहीं दोष, जब जागी हक में भूली सिर अफसोस। तारतम वाणी के प्रकाश में आप जागृत हो गए, अब दूसरा कदम आपको आगे बढ़ाना है, राज्य के प्रेम में जागृत होना। राज्य के प्रेम में जागृत होने के लिए आपको चितवनी की तरफ अपने कदम बढ़ाने पड़ेंगे। जब आपके अंदर प्रेम आएगा तब तो आप अपनी आत्मा को जागृत करेंगे। प्रेम आएगा प्रेम के स्वरूप को दिल में बसाने से। प्रेम का स्वरूप आपके दिल में नहीं बस रहा है तो इसके लिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपका चंचल मन जो लाखों जन्मों से जानता भी नहीं था कि सच्चिदानंद परमात्मा कैसा है, या तो आपने मिट्टी और पत्थरों की मूर्तियों में खोजा होगा या शून्य निराकार में अपने को भटकाया होगा। पहले तो अक्षरातीत की खबर देने वाला कोई नहीं, आप संसार के पथ पैंडों में जाइए, पता नहीं ये दुनिया कहाँ कहाँ भटकती है। अभी पन्ना जी से 20 किलोमीटर दूर पर सुतिक्षण मुनि का आश्रम है। आज से लगभग 22 वर्ष पहले मैं वहाँ गया था। वहाँ उस समय 108 मंदिर बने हैं और आप जानते हैं उन मंदिरों में क्या रखा है, छोटे छोटी गुमटियाँ बना दी गई हैं, किसी में ईंटों के टुकड़े रख दिए गए हैं, किसी में पत्थरों के टुकड़े, किसी किसी में तो मूर्ति है, लेकिन मूर्ति बनाने वाले ने 108 की संख्या पूरी करने के लिए पत्थरों के टुकड़े को भर दिया है। पूछा जाए ये किसकी मूर्ति है, मूर्ति भी नहीं, न शालिग्राम है न शिवलिंग है, मूर्ति की तो बात छोड़िए। पत्थरों के टुकड़ों को ये दुनिया सिर झुकाती है, अपने हृदय में बैठे हुए प्राणेश्वर को नहीं खोजती है। हमारे साथ भी घटना घटित होती है, जड़ में सिरले ढूंढती हक आए दिल अर्श चेतन। प्राणेश्वर अक्षरातीत कहाँ मिलेगा, आपकी आत्मा के धाम हृदय में मिलेगा। महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर अपने परम धाम की आत्माओं को जागृत कर रहे हैं। इस छठे दिन की लीला में हर आत्मा को उसकी पात्रता के अनुसार, पात्रता तो सबकी बराबर है, जीव की पात्रता के अनुसार, क्योंकि किसी का जीव ज्ञान की दृष्टि से शक्तिशाली है, किसी का जीव सेवा की दृष्टि से शक्तिशाली है, किसी का जीव प्रेम की दृष्टि से शक्तिशाली है। जो जिस क्षेत्र में सबल है उसको उसकी पात्रता के अनुसार राज्य अपनी शक्ति देते हैं और उस धन से अपनी जागने की सेवा लेते हैं। शोभा मिलती है उस आत्मा को, करने कराने वाले स्वयं में भी हैं। तैसा इत होता गया जैसा हजूर हुक्म करत। मूल स्वरूप दिल में जो कुछ लेते जाएंगे इस खेल में वैसा होता जाएगा, फिर भी आत्मा भूल करके ये मान लेती है कि ये मैंने कर दिया। यही तो सबसे बड़ी भूल है। हमने अक्षरातीत से अपनी अलग जो पहचान बना ली है यही सबसे बड़ी भूल है और इसी के कारण खेल बना। मार्फत में डूबने के लिए स्वयं के अस्तित्व को मिटाना पड़ेगा। मैं बिन मैं मरे नहीं, परात्म की मैं लीजिए तो यहाँ की मैं समाप्त हो जाएगी। परात्म की मैं से जीव की मैं को, आत्मा की मैं को हटाना होगा। जीव की मैं क्या है, जो संसार को लेकर बैठी है। आत्मा की मैं क्या है, आत्मा की मैं आपको मार्फत का दरवाज़ा रोक रही है। आत्मा की मैं को ज्ञान दृष्टि से पहले हटाइए, फिर प्रेम से अपने आप हट जाएगी। परम धाम में जो रब्द का कारण बना कि हम राज्य को रिझाती हैं,
मैं रिझाती हूँ, मेरा प्रेम बड़ा है, यही सबसे बड़ी भूल थी। यह कहना है कि मैं अक्षरातीत की अंगरूपा हूँ, उनकी प्राणेश्वरी हूँ, उनका इश्क मेरे दिल में, उनका तन, उनका दिल मेरा दिल, हम और वो एक नहीं है। यदि ऐसी भावना रहती तो कभी रब्द नहीं होता। लेकिन यह बताने के लिए कि तुम मुझसे अलग नहीं हो, मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, मेरा ही दिल तुम्हारे दिल के रूप में लीला कर रहा है, मेरे ही तन तुम हो, ये सारे खेल का प्रपंच बना। और इसी इश्क रब्द के कारण बेचारे इन संसार के जीवों को, जो निराकार से परे आज तक कुछ नहीं जाने थे, आप संसार के सभी मत पंथों में घूम आइए, तब आपको पता चलेगा कि वाणी के ज्ञान की महत्ता क्या है। जैसे बंगाल में जन्म लेने वालों को पानी की कीमत का एहसास नहीं होता, उसी तरह से जिन सुंदर साहब को प्रतिदिन परम धाम की वहदत खिलवत की बात की जाती है, तो उनको लगता है कि हमारे सिर पर जबरन डाला जा रहा है। आप बद्रीनाथ घूम करके आइए, केदारनाथ घूम कर आइए, गंगोत्री घूम कर आइए, आपको तब पता चलेगा कि वाणी के ज्ञान की क्या महत्ता है। सभी वेद वेदांगों में निष्णात, गुफाओं में साधना करने वाले बड़े बड़े योगी भी कहाँ भटक रहे हैं, उनको ये पता नहीं है कि निराकार से परे क्या है। हाँ, जरूर उनके यहाँ लाखों की भीड़ घुस एकत्रित होती है। आप राधा स्वामी ब्यास चले जाइए, वहाँ 10 लाख की संख्या इकट्ठी होती है। हम सुंदर साथ तो 1 लाख की संख्या इकट्ठी करना हमारे लिए एक बहुत कठिन बात है। हमारे समाज में कहीं व्यवस्था नहीं है कि 1 लाख सुंदर साथ को इकट्ठा करके उनको कोई चर्चा वाणी सुनाई जा सके, लेकिन वहाँ तो 10 लाख लोग एक साथ बैठ करके सुन सकते हैं। लेकिन तत्व ज्ञान क्या? कुछ नहीं। ब्रह्मा कुमारी मत में भी जाइए, 10,000 हजारों लोग एक साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं, 10,000 लोग तो एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा कुमारी के पास ऊंचा ज्ञान आ गया हो, या राधा स्वामी के पास ऊंचा ज्ञान आ गया हो, या कबीर पंथ के पास सबसे ज्यादा ऊंचा ज्ञान है। हाँ, हमने खुद वाणी के ज्ञान की महत्ता को नहीं समझा है, क्योंकि हम राज्य के प्रेम में स्वयं को डुबा नहीं पा रहे हैं। मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल, कौन सा वह शुष्क हृदय होगा जो राज्य के इस मुखार बिंद की शोभा को देखकर पिघलता न हो। लेकिन हमारा रटर उत्तर होता है, क्या करें, अभी समय नहीं होता, या अभी चितवनी करके क्या करेंगे, अभी हम सेवा पूजा कर लेते हैं। विश करते हैं तो 4 साल के बाद प्रमोशन मांगने लगते हैं, अपने बच्चे को क्लास में भेजते हैं तो सोचते हैं कि अगले साल दूसरी कक्षा में चले जाएं। और आप 50 साल के भी होते हैं तो वही मेहर सागर का पाठ, वही परिक्रमा, वही सेवा पूजा, वही भोग आखिर कब तक चलता रहेगा। जिसके स्तर की जो कक्षा हो वह करे, लेकिन कम से कम इतना तो समझिए कि आपके जीवन का एक एक पल कीमती है और आपकी आत्मा इस माया के खेल को देखने के लिए आई है। आपने प्रारंभिक चरण में सेवा पूजा की, मेहर सागर का पाठ किया, कीजिए, लेकिन सागर श्रृंगार के लिए भी तो कुछ पल छोड़िए, जिसमें आप शांत बैठ जाइए, अपने हृदय में धनी के चरण कमलों की शोभा को बसाइए, अति मीठे रसीले रंग भरे। ये दोनों चरण कमल माधुरता के सागर हैं, आनंद के रस से भरपूर हैं, अति मीठे रसीले रंग भरे। धनी के चरण कमल भी अति मीठे रसीले तो हैं ही, नेत्र भी अति मीठे रसीले हैं और मुखारविंद तो है ही। उनके हृदय में क्या है? माधुरता का सागर, आनंद का सागर, सौंदर्य का सागर, जीवन का आधार हमारा प्राणेश्वर अपने रोम रोम में अनंत सौंदर्य, अनंत प्रेम, अनंत आनंद, अनंत वहदत, निस्बत का रस समेटे हुए है, और उसको हम देखने में कहीं ना कहीं आलस करते हैं। तभी तो वाणी कहती है, श्याबाश तुम्हारी अरवाहों को, श्याबाश तुम्हारी हड़ी सकत। हमारे कठोर हृदय को सबासी है कि हमारे कठोर हृदय में धनी की शोभा नहीं बसती। एक तीर खींच करके छोड़िए केले के पेड़ में तो धस जाता है, लेकिन इन धनी के बाण मुको ना लगे, मुको ना लगे, हार करके कहना पड़ता है महामती जी को। महामती जी के हृदय में तो धनी बसते हैं, लेकिन ये सिखापन हम सुंदर साथ के लिए है कि जिन सागर श्रृंगार के एक एक चरण को कहते समय महामती जी की आत्मा कहती है कि महामती
तेरा हृदय इतना कठोर कैसे हो गया कि तूने अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत की लांग तली लाल एणुओं का वर्णन कर दिया। तूने अक्षरातीत के होठों को किस मुख से कह दिया? तूने अक्षरातीत के नेत्रों को देखकर भी उनका वर्णन करने में कैसी सफलता प्राप्त कर ली? क्या तेरा हृदय भी उस पत्थर के समान है जिसको कहते समय तुझे तो ये शरीर ही छूट जाना चाहिए, जिसकी एक झलक हमारे जीव को कोमल कर देती है और उसकी शोभा को हृदय में बसा देती है। उस शोभा को कहते कहते भी हम कोमल हृदय नहीं हो पाते हैं। याद रखिए, मोमिन दिल कोमल किया तो अर्श पाया खिताब। हमारा हृदय यदि धनी की शोभा को बसा नहीं पा रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें हमारी चूक है। हमें अपने तृष्णाओं के बंधन को ढीला करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा। जब मैं कहता हूँ सुंदर साहित्य से कि सुंदर साहित्य अपने तामसिक आहार का परित्याग कीजिए, आप तिखी तिखी लाल मिर्चें बहुत खा चुके हैं, सारी दुनिया में, सारे जीवन में खा चुके हैं, खटाइयाँ खा चुके हैं, गर्म गर्म काफ़ी और चाय के प्याले पी चुके हैं। 17-18 तारीख से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, मेरे पास पहले ही फरमाइश आ गई कि हमें काली चाय चाहिए, कैफीन वाली। बताइए, 5 दिन के लिए सुंदर साथ चाय के बिना रह नहीं सकता, 5 दिन तो क्या 1 दिन भी मोबाइल के बिना रह नहीं सकता। आप विपश्यना में जाइए, 1 हफ्ते के लिए आपका मोबाइल पहले ही जब्त करा लिया जाएगा। आपके घर कुछ भी घटित हो रहा हो, आपको जानने की स्वीकृति नहीं। आपके घर क्या हो रहा है आपको ये बात नहीं बताई जाएगी, लेकिन हमारा लाडला सुंदर साथ चूँकि परम धाम का है, उसके ऊपर कोई नियम कानून ही नहीं लागू होता, क्योंकि वो कहता है कि हम तो त्रिगुणातीत के धाम से आए हैं, हमारे ऊपर संसार वालों का नियम थोड़े लागू होगा। हम जो चाहें खाना पीना, एक कहावत कही जाती है ना, खाना पीना सोना ये मोमिन का काम, दुनिया करे बंदगी मोमिन करे आराम। लेकिन आराम किस में? खाना पीना खिन खिन लिया प्यार अर्सुहन, पल पल मासुक देखना यही आहार असगन। इसको कोई नहीं याद करेगा, पल पल मासुक देखना यही आहार असगन, ये हम भुला देते हैं। हमारा आहार धनी का दीदार, हमारा पानी पीना दोस्ती हक। यदि राजी से प्रेम नहीं है तो हम समझ लीजिए कि हम पानी नहीं पी रहे हैं। पानी पीना जैसे शरीर के लिए जिंदा रखने के लिए पानी आवश्यक है, हमारे लिए सबसे बड़ा धन क्या है? राज्य का प्रेम। और यदि हमने अपने जीवन को इस मंजिल पर पहुंचा दिया तो हम धन धन हो जाएंगे, और इस जागनी में लीला में हमारा आना भी धन धन हो जाएगा। रिकॉर्डिंग सुंदर साहब जी, आप जानते हैं हमारा समाज वाणी के ज्ञान की दिशा में बहुत पीछे है, इतना पीछे कि स्थिति ऐसी है जैसे चक्रवर्ती सम्राट की अर्धांगिनी हाथ में कटोरा लेकर भीख मांग रही हो कि मैं कई दिनों से भूखी हूँ। राज्य ने हमें परमधाम का सारा ज्ञान दिया, लेकिन देखा जाए तो उस ज्ञान को हमने अपने मंदिरों में छिपाए रखा है 400 सालों से। हमारा प्रस्तुतिकरण अच्छा नहीं है, ना हमारे पास अच्छे वक्ता हैं, ना हमारा प्रस्तुतिकरण अच्छा है कि संसार उसको स्वीकार कर सके। अपने ब्रह्मा कुमारी की शिवानी का प्रवचन सुना होगा, एक नवयुवती ही तो है, उस शिवानी को धर्म ग्रंथों का गहरा ज्ञान नहीं है, उनको परमधाम के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन प्रस्तुतिकरण इतना अच्छा है कि लाखों लोग सुनने के लिए दीवाने होते हैं। हमने कोई मिशन नहीं निश्चित किया, हमने बड़े बड़े मंदिर बनाए, करोड़ों के आश्रम बनाए, ऐसी कमरे बनाए, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि हमारा कुछ मिशन भी होता है कि हम ब्रह्मवाणी को सारे संसार के लिए फैलाएं। हमने एक छोटा सा संप्रदाय बना लिया, छोटे छोटे मंदिर बना लिए, आश्रम बना लिए, गुटों में बट गए, छोटी छोटी बातों पर हम लड़ते रहते हैं। हम एक जगह बैठकर किसी से बात करना तो दूर, कोई सामने आए तो मुँह फेर लेते हैं कि वो उस गुट का है, वो उस मान्यता का है, वो उस गुरु का शिष्य है। हैं तो सभी परमधाम के, चाहे वो कोई पंजाब में पैदा हुआ हो, नेपाल में पैदा हुआ हो, बंगाल का हो, गुजरात का हो, सभी तो वहीं के हैं यदि आत्मिक दृष्टि से देखा जाए तो। लेकिन जब किसी महान लक्ष्य पर हमें चलना होगा
तो सबको आत्मिक भावना से देखना होगा और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें कठोर कदम भी उठाने होंगे। ज्ञानपीठ सरसभा का ये पहला उद्देश्य है कि जो भी बजट है उसका 70% शिक्षा और साहित्य में भी खर्च के ही में ही खर्च किया जाएगा और भविष्य में हम किसी मंदिर का निर्माण न करके ज्ञान केंद्रों की स्थापना करेंगे जहाँ से ज्ञान का प्रकाश हो सके। अभी आप देखेंगे इस शरद पूर्णिमा के कार्यक्रम पर काफ़ी सुंदर साथ ऐसे भी हैं जो खुले आकाश में सोने के लिए विवश हैं, उनके लिए कोई कमरा नहीं है। आखिर वो भी दो हाथ दो पैर वाले सुंदर साथ हैं। व्यवस्था क्या है कि वो बेचारे इतने गरीब सुंदर साथ हैं कि वो कोई रसीद नहीं कटवा सकते और जो रसीद नहीं कटवा सकता उसको हमारा समाज छत देने के लिए विवश नहीं है, वो ठुकरा देता है कि जाओ तुम्हारी नियत यही है। लेकिन ज्ञानपीठ सरसभा को ये स्वीकार नहीं है। आप देखेंगे कि यहाँ कोई VIP कमरा नहीं बनाएगा, सबके लिए सेट में व्यवस्था की गई। कल भोजनालय में भोजन करने वाले सुंदर साथ की संख्या 4000 तक पहुँच गई थी, सबका अनुमान यही था कि 2500 संख्या पहुँचेगी, हो सकता है आने वाले समय में ये संख्या 5000 तक भी पहुँच जाए, इससे भी अधिक पहुँचेगी। लेकिन ज्ञानपीठ का सिद्धांत है ज्ञान केंद्र से या ज्ञानपीठ सरसभा से या इससे जुड़ी हुई किसी भी संस्था से किसी भी सुंदर साथ को निराश नहीं किया जाएगा कि वो भूखा जाए, या हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जगह नहीं है, जितना होगा उसी में बांट बांट कर सबको खिलाया जाएगा, उसी में स्थान दिया जाएगा, जैसे भी हो सके चाहे कर्ज लेना पड़े या कुछ लेना पड़े। लेकिन जो सुंदर साथ आते हैं उनको भी ये भाव रखना होगा कि ये ज्ञान केंद्र हमारा है, हम अतिथि के रूप में नहीं आए हैं, और यहाँ की किसी चीज़ की क्षति होती है तो हमारी अपने घर की क्षति है। जिस तरह से आप अपने घर में बिजली बर्बाद नहीं होने देते, अपने घर की हर सुरक्षा करते हैं, उसी तरह से यहाँ आने वाले सुंदर साथ के लिए सबको ये अथेष्ट होगा, चाहे वो पंजाब का हो, गुजरात का हो, नेपाल का हो, सिक्किम का हो, कहीं का भी हो, सबको ये समझना होगा कि प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा या प्राणनाथ ज्ञान केंद्र ये या देश में जहाँ भी ज्ञान केंद्र बने हैं या बनेंगे सभी हमारे हैं और सब पर हमारा अधिकार है, सब पर हमें सेवा भी करनी है, अपना अधिकार भी लेना है और इसकी अपनेपन से इसकी वृद्धि करनी है। ज्ञानपीठ में या ज्ञान केंद्र में न वर्गवाद चलेगा, न प्रांतवाद चलेगा, न किसी तरह का जातिवाद चलेगा, सभी आत्मिक दृष्टि से सभी बराबर है और सबके लिए समान व्यवस्था करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन इसमें कई अड़चनें आती हैं, ये पहला साल था और पहले वर्ष मुझे लगता है सुंदर साथ को काफ़ी परेशानियों का अनुभव करना पड़ा है, खुले धरती पे टेंट में लगाकर व्यवस्था करनी पड़ी है। आने वाले समय में अगले साल तक मैं पूरा प्रयास करूंगा कि ये कष्ट भी देखना न पड़े, चाहे 5000 से भी अधिक संख्या हो तो सबके रहने खाने पीने की व्यवस्था भी हो जाए। और मैं ज़्यादा न कहते हुए मैं यही कहूँगा कि जिन जिन सुंदर साथ ने इस ज्ञान केंद्र की सेवा में अथक प्रयास किया है वो धाम धनी की दृष्टि में हमेशा मेहर के पात्र रहेंगे। कई बहनें ऐसी हैं जिन्होंने अपने आभूषण उतार दिए, गुजरात की एक बहन ने तो अपना मंगलसूत्र ही उतार करके सेवा में दे दिया, और जिस दिन मैं आया 18 अक्टूबर को कार्यक्रम प्रारंभ हुआ उस दिन भी एक बहन ने अपने आभूषण भिजवा दिए। हाँ, बहनों के पास पैसा नहीं तो उन्होंने ये धन दे दिया। और यहाँ की शुरुआत में दिलीप जी ने महान सेवा की, और भी कई सुंदर साथ हैं, दिलीप जी जोशना बहन के परिवार ने सबसे अधिक सेवा की, वो धनवान हैं और राज्य ने उनको भाव भी दिया है, और तन मन धन तीनों से सेवा की। रमेश भाई ने खड़े होकर 19 दिनों तक धूप में ये जो जाली आप देख रहे हैं सब उन्होंने सेवा की। जो सूरत के सुंदर साथ हैं उन सुंदर साथ में गोवर्धन भाई हैं, गोगन भाई हैं और नाम मैं भूल जा रहा हूँ, कई सुंदर साथ हैं 4-5 जिन्होंने पिछले सवा वर्ष से लगे हुए हैं तपती दोपहरी में अपना कार्य किया और जिनको धर्म उपदेशक बनाया गया है हमारा करण, जिनको मैं कणांत कहता हूँ, उस व्यक्ति ने तो कभी देखा ही नहीं कि आराम क्या होता है, धूप शीत वर्षा दौड़ता रहा दौड़ता रहा। मुझे नहीं लगता कि समाज में कोई ऐसा धर्म उपदेशक होगा जो इतनी धूप में एक सेवा के लिए एक पांव पर खड़ा हो।
सबका अपना अपना योगदान है. और आप जानते हैं अंकुर जी ने भी कितनी सेवा की. अंकुर जिसको 14 लाख रुपए सालाना का ऑफर था पेरिस में सर्विस के लिए, उसने उसको ठुकरा दिया और हिमालय में साधना करने चला गया. किसी तरह से उसको मना कर राजी करके लाना पड़ा कि चलो भाई तुम ज्ञान केंद्र में रहकर अपनी साधना करो. वो दिन दिन भर धूप में खड़ा रह करके जेसी भी चलवा रहा है. आखिर क्या दर्द है. आप सुंदर साथ आते हैं तो पानी की भी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, पानी भी बहा रहे हैं. कोई ये ज्ञान केंद्र आपका है, इसकी जो कमियाँ होंगी आपको ही पूरी करनी है, इसकी सुरक्षा भी आपको ही करनी है, उपयोग भी आपको करना होगा. हाँ, देश का कहीं का भी सुंदर साथ हो, यहाँ यह नहीं पूछा जाएगा आप किस गुट के हो. कोई जामनगर का रहता हो, सूरत का रहता हो, कहीं का भी हो, सुंदर साथ हो, यहाँ से खाली भूखा नहीं लौटना चाहिए. या ऐसा नहीं होगा कि उसको छत या रात को सोने के लिए जगह नहीं मिले, लेकिन मैं ऐसा करूँगा सभी इसके साथ अपनापन रखें. और जो भी इसमें अभी इसके बारे में थोड़ा सा श्रीवास्तव जी आपको बता देंगे दो मिनट, कमल जी भी बताएंगे. कल ट्रस्ट की मीटिंग बैठी थी और उसमें कितने लाख की देनदारी है ये भी आप बता देंगे. सुंदर साथ के लिए यथाशक्ति जो भी होगा अपनी सेवा करें ताकि भविष्य में आने वाले समय में इसकी व्यवस्था की जा सके. और जो भी सुंदर साथ जिन्होंने तन मन धन से ज्ञान केंद्र में सेवा की है उनका सम्मान करना सब सुंदर साथ के लिए अभिष्ट है. उनके सम्मान का कार्यक्रम भी रखा जाएगा और इसके बारे में दो शब्द बताएंगे कमल जी और श्रीवास्तव जी. बोलो श्री प्राणनाथ प्यार.